BMW, Puma, Adidas, Apple, Amazon ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड को दिखाने के लिए लोगों का यूज़ क्यों करती हैं और इसका क्या मीनिंग होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों के हिडन मीनिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। एयरटेल का लोगो तो आपने देखा ही होगा और ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को भी आप एयरटेल के नेटवर्क से ही देख रहे हो। पर क्या आपको पता है कि एयरटेल के लोगो के ऊपर ये क्या है? ये असल में एक खुला हुआ ए है जो कि रेड कलर का है और कंपनी के हिसाब से रेड कलर एनर्जी और पैशन को डिपेक्ट करता है और ये ओपन स्टाइल का ए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, एक कूल तरीके का ए जो कि एयरटेल के लोगो में मौजूद है। जिलेट दुनिया की सबसे बड़ी केयर प्रोडक्ट्स की कंपनी है। जिलेट का रेजर या शेविंग क्रीम तो आपने जरूर यूज की होगी। इसके लोगो को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो सिंपल इसका नाम लिखा हुआ है ना, जिलेट। बट अगर आप इसके लोगो के इस पार्ट को ध्यान से देखें तो जी और आई के बीच में आपको एक अच्छा सा शार्प सा रेजर दिखाई देगा जो कि जिलेट के लोगो में मौजूद है। यूनिलीवर, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, फेयर लवली, लैक्मे, व्हील, सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय, डव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, वैसलीन, ये सारी अलग अलग कंपनी नहीं है। इन सबका कॉमन कंपनी एक ही है और वो है यूनिलीवर। इसके लोगों को देखकर लगता है ये तो यूनिलीवर का यू लिखा है ना, बट ये यू 24 आइकन से मिलकर बना है और इसके लोगो में डे टू डे चीजें मौजूद हैं। यहाँ देखो होंठ जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ देखो हेयर जो कि सनसिल्क, क्लिनिक प्लस हेयर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये टी शर्ट जो वॉशिंग पाउडर, व्हील, सर्फ एक्सेल वॉशिंग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और भी बहुत कुछ। यूनिलीवर के लोगो को बहुत ही कूल तरीके से डिजाइन किया गया है और ये यूनिलीवर का पहला लेटर यू को तो दिखाता ही है और इसके साथ साथ हम जो अपनी लाइफ में डे टू डे प्रोडक्ट यूज करते हैं ये उन्हें भी दर्शाता है। BMW, इस कार कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि BMW का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसे BMW का फुल फॉर्म नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क या जर्मनी में वारिशिंग मोटरिन वर्क। BMW शुरुआत में तो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती थी और इसीलिए बहुत से लोगों के हिसाब से इसका ये जो लोगो है वो एक घूमता हुआ पंखा है और ये जो ब्लू कलर है वो नीले आसमान को दर्शाता है और व्हाइट कलर प्लेन के प्रोपेलर को दर्शाता है। बट ये एक मिथ है, BMW कंपनी जर्मनी के बवेरिया में ओरिजिनेट हुई है और इसीलिए इसके लोगो का जो सेंटर वाला पार्ट है वो असल में एक बवेरियन फ्लैग को दर्शाता है। एप्पल, आप ये जो फेमस एप्पल का लोगो देख रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये एप्पल आधा कटा हुआ क्यों होता है, बाइट किया हुआ क्यों होता है? पूरा भी तो हो सकता था। जब इसके लोगो डिजाइनर से ये पूछा गया कि इसका आइडिया आपको कहां से मिला तो फाइनली इसका आंसर एक इंटरव्यू में रेफ जेनोफ ने इतने सालों बाद दिया। उन्होंने बताया कि मुझे लोगो कुछ इस तरह बनाना था कि वो कोई गोल फ्रूट की तरह ना दिखे। ऑरेंज, चेरी, टमाटर, गोल फ्रूट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कैसे पता चलेगा ये एप्पल ही है? मैं डिजाइन करने के लिए बहुत सारे एप्पल को लेकर आया और उन्हें मैं ड्रॉ करने लगा। अलग अलग तरीके से मैंने उन्हें ड्रॉ किया, किसी को आधा काट कर, किसी को उल्टा कर, किसी के टुकड़े कर, पर मुझे कुछ खास स्केच नहीं मिला और थककर मैंने तभी एक एप्पल का व्हाइट लिया और फिर मैंने उसे ड्रॉ किया। इसी तरह मुझे लोगो का आइडिया मिला और एप्पल का बाइट हर कोई लेता है, इट्स अ कॉमन हैबिट। और एप्पल का बाइट और कंप्यूटर का एक टर्म है जिसे कहते हैं बाइट, BYTE, जो काफी सिमिलर साउंड करता है, तो मुझे लगा इससे बेहतर और क्या हो सकता है एप्पल के लिए। Amazon, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी Amazon। Amazon के लोगो में ये जो कर्व लाइन है कि ऐसे स्टार्ट हुई है और जेड पर आकर खत्म हुई है, इसका मतलब Amazon में A to Z प्रोडक्ट मौजूद है। जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप थिंक कर सकते हो, सब कुछ, इमेजिनेशन इज द लिमिट, वो सारे प्रोडक्ट Amazon सेल करता है। और ये ऑरेंज कर्व लाइन एक स्माइल को भी रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब Amazon अपने कस्टमर के फेस पर हमेशा स्माइल देखना चाहता है। Beats, USA की आइडियो हेडफोन कंपनी बीट्स, इसका लोगो बहुत ही सिंपल है, ये तो सिंपल बी लिखा हुआ है ना, पर अगर आप इसके लोगो को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि कोई हेडफोन पहने हुए है। गूगल यानी हर प्रॉब्लम का सलूशन। गूगल में आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी खोज सकते हो, ऐसा क्या है जो गूगल पर नहीं मिलेगा? बट इसके बाद भी गूगल का लोगो बहुत ही सिंपल है। अगर आप गूगल के लोगो को ध्यान से देखें तो ये एक कलर सिक्वेंस को फॉलो करता है, ब्लू, रेड और येलो, ये प्राइमरी कलर है, यानी इन्हीं कलर से मिलकर सारे कलर बने हैं और ये कलर सिक्वेंस गूगल के दूसरे जी तक तो सही चलता है, लेकिन एलिस सिक्वेंस को तोड़ देता है और ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये जानबूझकर की गई गलती है। इसका
मतलब है गूगल कभी रूल्स को नहीं मानता, गूगल की एक अलग ही पहचान है। टोयोटा एक मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसके बहुत सारी कार्स आपने देखे होंगे। कंपनी का मानना है कि टोयोटा के लोगों में तीन घुमावदार आकृतियां हैं जो कंपनी, कस्टमर और तकनीकी विकास के दिल को दर्शाती हैं। टोयोटा के लोगों को बहुत ही कूल तरीके से बनाया है। देखने में तो ये सिंपल लगता है बट अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें टोयोटा के सारे लेटर्स मौजूद हैं, TOYOTA, मतलब एक ही लोगों में पूरा स्पेलिंग मौजूद है। हुंडई साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई। हुंडई के लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता होगा ये हुंडई के पहले लेटर H को दर्शाता है, कॉमन सेंस यही कहता है, बट असल में इस लोगो का साइलेंट मैसेज ये है कि एक कस्टमर और एक हुंडई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हाथ मिला रहे हैं और उनके बीच का हैंडशेक ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कंपनी के ब्यूटीफुल बॉन्डिंग को ये लोगो दर्शाता है। एडिडास एडिडास के लोगों में तीन स्ट्राइप्स एक ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं। ये असल में एक माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है और ये माउंटेन उन चैलेंजेस को शो करता है जिसका सामना खिलाड़ी और रनर्स करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। प्यूमा प्यूमा के लोगों के ऊपर ये कोई सीरिया चीता नहीं है, ये असल में एक पौगा है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है और 18 फीट तक जंप कर सकता है। प्यूमा के लोगों में पौगा को इसलिए रखा ताकि जब रनर्स प्यूमा के सूको पहनकर दौड़े तो उन्हें वो पौगा वाला फील आए, उन्हें लगे कि वे पौगा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और इसका साइंटिफिक नेम प्यूमा कॉन कॉलर है। LG साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और LG के कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, TV, AC एक्सेट्रा। इसके लोगों में L और G आपको सिंपली देखने को मिल जाएंगे बट कंपनी का मानना है कि LG का लोगो एक ह्यूमन फेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके लोगो को देखने पर लगता है L से नाक बनी हुई है और डॉट आई से यानी आँख को दर्शाता है जिससे लगता है कि ये एक मुस्कुराता हुआ फेस है और इसी से इस कंपनी का मोटिव डिस्प्ले होता है। सैमसंग कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये असल में एक कोरियन वर्ड है और ये दो वर्डों से मिलकर बना है, सैम प्लस संग। सैम का मतलब है 3 और संग का मतलब है स्टार्स, यानी एक्चुअल में सैमसंग का मीनिंग है 3 स्टार्स। क्योंकि सैमसंग कोरिया की कंपनी है और कोरिया में नंबर 3 को बहुत ही पावरफुल माना जाता है और इसीलिए सैमसंग में 3 बहुत ही पावरफुल है, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। पेप्सी ने अपने इस लोगो को बनाने के लिए $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस लोगो का ये जो कलर है रेड व्हाइट एंड ब्लू ये हमेशा से अमेरिकन फ्लैग को दर्शाता है और ये एक स्माइल को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑडी के लोगो में 4 सर्कल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असल में ये 4 सर्कल अलग अलग कंपनी को दर्शाते हैं, DKW, ऑडी, हॉर्च, बेंड्री। ये चारों कंपनी साल 1932 के पहले अलग अलग काम करती थी बट साल 1932 के बाद ये चारों कंपनी मर्ज हो गई और इसका हेड ऑडी को चुना गया और तभी से हमें ये ऑडी का कूल सा लोगो देखने को मिला। फेमस लैपटॉप कंपनी सोनी बायो, आप यकीन नहीं मानेंगे इस कंपनी का लोगो बहुत ही अमेजिंग लोगो में से एक है। इसके लोगो को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बायो तो लिखा ही है पर इसके साथ साथ एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी दर्शाता है। लोगो का फर्स्ट पार्ट VA एक एनालॉग बेब को दर्शाता है और सेकेंड पार्ट IO ये असल में 1 और 0 है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है जो कि बाइनरी नंबर्स को दर्शाता है। विकिपीडिया का लोगो एक अधूरा ग्लोब है जो कि पजल पैटर्न में बना हुआ है और इस पजल के हर टुकड़े में विकिपीडिया का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है बट ये अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये जो इसके ऊपर का खाली ग्लोब है इसका मतलब है कि इसमें अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। आपने चाहे कितनी भी किताबें पढ़ी हों, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, बट कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर होता है और हमारी इसी जरूरत को पूरा करता है विकिपीडिया। मुझे लगता था लोगो बनाना बहुत ही आसान काम है बट इतने अच्छे और इतने डीप मीनिंग वाले लोगोस बनाने के लिए कितना टाइम और कितनी क्रिएटिविटी लग सकती है। इतने डीप मीनिंग वाले लोगो बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत ही टाइम और बहुत ही दिमाग लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा।